Well, good morning to everyone. Welcome to my YouTube channel Brewing UK, and आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे Brewing UK. तो बेसिकली आज जो मैं आपको ये वीडियो देने जा रहा हूँ वो आपको थंबनेल देखकर आइडिया मिल ही गया होगा कि किस भी आप पे वीडियो दोबारा दे रहा हूँ मैं. तो बेसिकली ज़्यादा कुछ वीडियो को स्टार्ट होने से पहले कुछ बातें मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ. अगर आपको किसी भी तरीके का क्वेश्चंस होता है तो आप प्लीज़ कमेंट कर लिया करो. एंड अगर आप वहाँ पे कमेंट करने में थोड़ी होती है कुछ इशू लगती है तो आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे मुझे फॉलो कर सकते हो जो कि है Brewing UK. आप इंस्टा पे आ सकते हो, वहाँ पे आप कर सकते हो मुझे फॉलो और वहाँ पे आप मेरे को भेज सकते हो अपने जो भी आपका मैसेज हो, जो भी आपका कमेंट हो. आप मुझे डायरेक्टली 1-to-1 मैसेज कर सकते हो. मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि जितना मुझे टाइम मिले मैं आपको रिप्लाई कर पाऊँ. ओके, तो बेसिकली मैं आज की इस वीडियो को दोबारा इसलिए बना रहा हूँ बिकॉज एक भाई का कमेंट था कि सर प्लीज़ मुझे मतलब प्रॉपर बताइए कि ऑफर लेटर से लेकर हमें क्या कुछ करना पड़ता है फाइनल प्रोसेस होने तक. तो मैंने भी सोचा कि दैट्स फाइन, मुझे एक वीडियो देनी चाहिए जहाँ पे मेरे केस में पर्सनली मेरे केस में भी यही था कि लोगों को नहीं भरोसा था कि विदाउट आइल्स भी केस हो रहे हैं अभी या हो जाते हैं. ठीक है, यहाँ तक कि मेरा वीज़ा आने से पहले भी मेरे ऑफिस मेट्स को भरोसा नहीं था कि मैं कुछ सही कर रहा हूँ. बट स्टिल आपको खुद पे भरोसा होना चाहिए, जो आप प्रोसेस कर रहे हो उस पर आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कैसे कर रहे हो. ठीक है, देन यू विल डू इट. ओके, तो मैं अपने केस से जो सीखा हूँ मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से आज की इस वीडियो में जो भी बताऊँगा वो मेरे एक सेल्फ का एक्सपीरियंस है और उसके अकॉर्डिंग ही मैं आपको जो भी इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ वो है. ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर आप विदाउट आइल्स आना चाहते हो तो भाई सबसे पहले आप अपनी डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करना, इट्स कंपल्सरी. मेरे केस में बहुत सारी चीज़ें हुई थी जो आप लोग के केस में ना हो, इसलिए मैं ये सब वीडियो बना रहा हूँ. ठीक है, तो सबसे पहला काम जो होता है वो होता है डॉक्यूमेंट प्रेपरेशन. अगर आप विदाउट आइल्स आ रहे हो, विद आइल्स आ रहे हो, डुलिंगो करके आ रहे हो या पीटी समथिंग कुछ भी करके आ रहे हो एनीथिंग, तो आपको सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स रेडी करना है. ठीक है, तो अगर आप विदाउट आइल्स आ रहे हो, ठीक है, जहाँ पे आपको इंग्लिश का स्पेशल टेस्ट नहीं देते, उस केस में आपको दो चीज़ें मैंडेटरी होती हैं. एक, आपकी जो स्टडी होती है वो इंग्लिश मीडियम होनी चाहिए. ठीक है, आपका इंटरमीडिएट इट मींस प्लस टू. ठीक है, टेंथ के बाद जो 2 साल आप स्टडी करते हो वो आपके इंग्लिश मीडियम की स्टडी होनी चाहिए और जो आप बैचलर करते हो स्टिल दे आर ऑल्सो इन इंग्लिश लैंग्वेज. ओके, जो आपका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा वो इंग्लिश में होना चाहिए. ये इसकी फर्स्ट और कह सकते हो कि ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ होती है. ठीक है, इसी के भी पे आपका केस बनता है जिसे बोलते हैं MOI. अगर आप विदाउट आइल्स आते हो तो आपका जो केस प्रोसेस होता है वो होता है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के बिहाफ पे कि आपकी इंग्लिश ठीक है, आपने आपने बैक की स्टडी जो की है वो सारी इंग्लिश लैंग्वेज में की है, इस बिहाफ पे आपकी फाइल प्रोसेस होती है. ठीक है, तो डॉक्यूमेंट नंबर फर्स्ट मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन MOI जो आपको आपका कॉलेज और स्कूल प्रोवाइड करता है जहाँ से आप पढ़े होते हो. ठीक है, वहाँ से आपको ये डॉक्यूमेंट रेडी करवाना है. इसके साथ आप अपने कॉलेज से अगर आप मास्टर के लिए आ रहे हो तो उस केस में आप अपने कॉलेज से LOR लोगे, लेटर ऑफ रेफरेंस. ठीक है, उसमें आपको किसी भी दो सब्जेक्ट्स के आप ले सकते हो लेटर ऑफ रेफरेंस कि आप कि मतलब स्टडी एक तो वो इंग्लिश मीडियम में होती है और आपको वो टीचर थोड़ा सा रेफरेंस प्रोवाइड करते हैं कि ही इज़ अ गुड स्टूडेंट एंड ही इज़ डूइंग वेल इन हिज कॉलेज टाइम. ओके, तो ये चीज़ आपको दो चीज़ें कंपलसरी होती हैं, MOI और लिस्ट ऑफ रेफरेंस. ठीक है, इन दोनों चीज़ों के अलावा अगर आप विदाउट आइल्स आ रहे हो तो ये दो चीज़ें, अगर आप
आइल्स करके आ रहे हो तो 5.5 ईच होना चाहिए और 6 ओवरऑल होगा तो आप यूके के लिए इलिजिबल होते हो बहुत सारे कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में। ड्यूलिंगो, यू नो ड्यूलिंगो जो कि इंग्लिश का टेस्ट देती है, तो अगर आप वो देकर आना चाहते हो तो 100 और 150 के बीच में अगर आपका स्कोर है तो इट्स वेल एंड गुड, आप एलिजिबल हो। ठीक है, सेम एज इट इज पीटीई होता है आजकल, तो वो भी दे सकते हो। और एक यूके का खास टेस्ट होता है जो सिर्फ स्पेसिफिक यूके के लिए ही बनाई गई है, तो आप वो भी दे के आ सकते हो। ये हो गई आपकी इंग्लिश के टेस्ट के रिगार्डिंग। ठीक है, जब आप ये सब चीज़ें डॉक्यूमेंटेशन में कंप्लीट कर लिए जो एक्स्ट्रा होते हैं आपके एकेडमिक्स के अलावा, ठीक है, अगर आप सपोज करो जैसे ये चीज़ें रेडी कर लिए, अगर आपका स्टडी में गैप है तो उस गैप को कब फुलफिल किया, आपने कैसे फुलफिल किया है, लाइक आप फ्री रहे थे कि आप जॉब कर रहे थे, अगर आप जॉब कर रहे थे तो जॉब के टाइम का आपके पास डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो फुलफिल होना चाहिए, गैप जो होगा वो फुलफिल होना चाहिए, देन आपका वीज़ा कन्फर्म है लगता है। ओके, अगर वो आप फुलफिल करते हो गैप को तो उसका डॉक्यूमेंट्री प्रूफ आपको चाहिए, प्लस आपके एकेडमिक्स प्रूफ ओरिजिनल चाहिए, ओरिजिनल मार्कशीट्स। ठीक है, फाइल प्रोसेस हो जाता है फोटो कॉपीज पे, बट आपको फाइनली जब वीज़ा के लिए आप फाइल लगाओगे तो उस टाइम आपको ओरिजिनल चाहिए होगा। मेरे केस में एक इंसिडेंट हुआ था जो मैं आपको कभी और अनदर वीडियो में बताऊंगा, फिलहाल मैं इस वीडियो में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वही बता रहा हूँ। ठीक है, तो आपके एकेडमिक्स ओरिजिनल, प्लस 2, 10th एंड योर बैचलर्स डिग्री, ऑल एकेडमिक सर्टिफिकेट्स, LOR, MOI, 3 डॉक्यूमेंट्स एंड योर गैप, जो गैप की आपके स्टडी के बीच में अगर गैप है तो वर्क एक्सपीरियंस के सारे डॉक्यूमेंट्स। ओके, सैलरी स्लिप्स एंड ऑफर लेटर्स ये वो लगते हैं सारे। ठीक है जी, ये हो गया। ये लगने के बाद आपका अप्लाई होता है, अगर आप खुद अप्लाई करना चाहते हो, आपके पास अगर नॉलेज है तो आप खुद अपना SOP बनाओगे, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बोलते हैं उसे। ठीक है, वो आप अपने अकॉर्डिंग, अगर स्पेसिफिक कोई आपका यूनिवर्सिटी है तो आप उसे डायरेक्ट ईमेल कर सकते हो अपने ईमेल के थ्रू, दैट यू वांट टू टेक एडमिशन इन दैट यू नो यूनिवर्सिटी। सो दैट्स द बेसिकली SOP क्या होता है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में आप अपने बारे में उन्हें बताते हो कि मेरी ये बैकग्राउंड रही है, मैं इस कोर्स में एडमिशन लेना चाहता हूँ आपके यूनिवर्सिटी में, क्यों लेना चाहता हूँ ये आप बता दोगे, बिकॉज यूनिवर्सिटी अच्छी है, उसकी रैंकिंग अच्छी है, दैट्स समथिंग, दिस कुछ इस तरह के पॉइंट बनाकर आप उन्हें अपना SOP भेजते हो। अगर आप एलिजिबल होते तो वो यूनिवर्सिटी आपको ऑफर करती है, ओके, कि आप उनके यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। वो ऑफर आपको रिटर्न में मेल के थ्रू भी देते हैं, ठीक है, पहले फर्स्ट टाइम वो मेल पे ही भेजेंगे, मेल के बाद आपको हार्ड कॉपी भी मिलती है जो आप प्रिंट कर सकते हो, ओके, वो सॉफ्ट कॉपी होती है लेकिन आप हार्ड कॉपी में ले सकते हो, ओके। तो जो ऑफर आएगा, वो ऑफर लेटर जब आता है तो वो कई बार कंडीशनल भी आता है और अनकंडीशनल भी आता है, इट्स डिपेंड अपॉन योर लक और योर लाइक प्रोफाइल, ओके। तो अगर आपको वो ऑफर लेटर आता है और विदाउट एनी कंडीशन आता है, जिसे बोलते हैं हम अनकंडीशनल ऑफर लेटर, तो आप वेल एंड गुड हो, ठीक है, आपके लिए उससे अच्छी बड़ी बात कोई नहीं। अगर आपको यूनिवर्सिटी फर्स्ट टाइम पे ही अनकंडीशनल ऑफर लेटर देती है तो आप फर्दर फर्दर उस अनकंडीशनल ऑफर लेटर का यूज करके, मतलब अगर आप लोन वगैरह लेना चाहते हो तो आप उस अनकंडीशनल ऑफर लेटर पे ले सकते हो, कंडीशनल ऑफर लेटर पे नहीं ले सकते, ओके। तो बैंक से अगर आप लोन लेना चाहते हो तो वो अनकंडीशनल लेटर का यूज होगा, ठीक है। अनकंडीशनल लेटर होने से अगर कोई कंडीशन आ जाता है, लाइक आपको वो कुछ कंडीशन दे देते हैं ऑफर लेटर पे ही कि मतलब ये चीजें मेरी पूरी करो, जैसे आपको कोई इंटरव्यू रख देंगे, ठीक है, कई यूनिवर्सिटीज जो है ऑफर लेटर देने से पहले भी इंटरव्यू लेती हैं, देन आपका कैश प्रोवाइड करने से पहले भी इंटरव्यू लेती हैं, ओके। तो इसमें क्या है कि आपको ऑफर लेटर आ जाता है अगर अनकंडीशनल, कंडीशनल आता है तो आपको कंडीशंस जो भी मेंशन होते हैं वो आपको फुलफिल करना होता है, देन इट्स ओके, यू कैन डू इट इन नेक्स्ट प्रोसेस, ओके। तो आप सपोज कर लो कि आपका अनकंडीशनल आता है, तो अनकंडीशनल आने के बाद भाई आपको 2 स्टेप करने होते हैं जिसे हम बोलते हैं कैश अप्लाई करने के लिए। तो आपको कैश अप्लाई करने से पहले सबसे पहले जो काम करना पड़ेगा वो आपको मेडिकल का रिपोर्ट दिखाना पड़ेगा कैश से पहले, और उसमें एक कंडीशन लगी होती है कि आपको फीस पूरी भरनी है कि हाफ भरनी है, वो उस पर मेंशन होता है जब आपका अनकंडीशनल ऑफर जनरेट करते हैं, तो वो लिख देते हैं कि आपको फुल फीस पेमेंट करनी है या हाफ करनी है। मोस्टली अब जो यूके ले रही है वो फुल फीस ही ले रही है सभी बच्चों से, ठीक है, तो ट्राई टू लाइक पे योर फुल फी अकॉर्डिंग टू मी।
आप कोशिश यही करना कि आप अपनी पूरी फीस देकर आना, बिकॉज यहाँ पे कई तरह की सिचुएशंस हो जाते हैं जो डिफिकल्ट होता है फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। तो मास्टर वालों के लिए तो थोड़ा फिर ठीक है, बैचलर वाले तो अपनी भाई पूरी 1 साल की फीस देकर ही आना, ज़्यादा बेटर है। ओके, तो एक हो गया आपका मेडिकल करवाना पड़ेगा, दूसरा आपको फीस पे करना पड़ेगा, और तीसरा आपको दिखाना दिखाना होता है 28 डेज ओल्ड फंड इन योर अकाउंट और इन योर स्पॉन्सर अकाउंट। ओके, वो आपके अकाउंट का भी फंड हो सकता है या आपके पेरेंट्स के भी अकाउंट का हो सकता है, वो आपको 28 डेज ओल्ड दिखाना होता है। ये तीन चीज़ें लेकर आप प्रोवाइड करके अपना कैश अप्लाई कर देते हो, ठीक है भाई लोग। अगर जब आप ये तीन चीज़ फुलफिल होते हैं, आप कैश अप्लाई करते हो, कैश मोस्टली जो होता है 1 वीक के अंडर लगभग लगभग आ जाता है, अगर आपका प्रोफाइल जेन्युइन है तो। मेरे को सेकेंड डे आ गया था, ठीक है। तो हो सकता है कि थोड़ा डिले भी हो, बट घबराने का नहीं, आ जाता है। ओके, आप ये डॉक्यूमेंट कंप्लीट करके कैश अप्लाई कर देते हो, ठीक है भाई, ये फाइनल प्रोसेस होता है। तो कई बार यूनिवर्सिटीज़ क्या है आजकल करती हैं कि आपको कैश देने से पहले इंटरव्यू ले सकती हैं। अब मैटर नहीं करता कि आप आइल्स दिए हो नहीं दिए हो, ठीक है, बट मोस्टली ले लेती हैं इंटरव्यू। मेरा नहीं हुआ था, मेरे को एक्चुअली इंटरव्यू मेरे को फर्स्ट में ही अनकंडीशनल आया था, बट उन्होंने जस्ट एक नॉर्मल सा कंडीशन ऐसे ही ऐड कर दिया था कि वो मेरा इंटरव्यू लेना चाहते हैं। वो प्रॉपर मतलब कंडीशन नहीं था, अनकंडीशनल होने के बावजूद जस्ट यूनिवर्सिटी वॉन्ट्स टू टेक माई इंटरव्यू। ओके, तो मैं वरीड नहीं था बिकॉज आई वॉन्ट टू गिव माई इंटरव्यू, मैं ऐसा चाहता था। तो ठीक है, इंटरव्यू आया था, मैंने दिया था, और इट्स ओके, अच्छा लगा था, बढ़िया लगा था। जब इंटरव्यू देते तो आप कॉन्फिडेंट हो जाते हो, ठीक है, तो इंटरव्यू देने से नहीं घबराने का। तो आपको कैश से पहले भी इंटरव्यू आएगा तो आपका जो भी कंसल्टेंट होगा या जो भी होगा वो आपको प्रेपरेशन करवाते हैं, और उसके साथ में मैंने जो वीडियोज़ दे रखे हैं, 2 वीडियो दे रखे हैं इस चैनल पे, आप उसे देख सकते हो, वो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। मोस्टली 90% क्वेश्चंस वही होते हैं, तैयारी कैसे करनी है वो भी मैंने बताई हुई है, ठीक है। कुछ स्पेशल पर्सनली हेल्प चाहिए तो मैं वो भी कर सकता हूँ। आप मेरे को इंस्टा पे आ सकते हो, ब्रो इन यूके, उसे फॉलो कर लो और आप वहाँ पे मेरे को मैसेज कर देना। आई ट्राई टू गिव यू नोट्स एज वेल, ठीक है। तो जब आप ये चीज़ कर लेते हो, ठीक है भाई, हम टॉपिक पे रहते हैं, तो आपका ये आ जाता है इधर से अपना कैश का। अगर इंटरव्यू नहीं आया तो आपको सीधा कैश आ जाएगा, ठीक है, जिसे कहते हैं कंफर्मेशन एक्सेप्टेंस ऑफ स्टडी। ओके, ये होता है कैश लेटर जो यूके से आता है, यूके यूनिवर्सिटी आपको प्रोवाइड करती है, ठीक है जी। जब आपका ये हो जाता है तब आप अप्लाई करते हो अपना वीज़ा, और वीज़ा से पहले कैश लेटर आपका होना चाहिए, ओरिजिनल सारे एकेडमिक सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, आपका मेडिकल का रिपोर्ट होना चाहिए, आपके फंड का जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स लगाए थे, स्टेटमेंट्स वगैरह, वो सारे होने चाहिए। मतलब वीज़ा फाइल करने से पहले आपके पास ईच एंड एवरीथिंग, आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। और जब आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स हो जाते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग जब मर्जी वीज़ा के लिए फाइल कर सकते हो। कैश का लास्ट डेट होता है यूनिवर्सिटी की तरफ से, बट कैश आने के बाद तब वीज़ा के लिए अपने अकॉर्डिंग जो आपका कोर्स स्टार्टिंग डेट होगा उसके अकॉर्डिंग आप अप्लाई कर लो, ठीक है। अगर आपका हर एक चीज़ सही है, ठीक है, उसमें कोई झोल झाल नहीं है, अगर आप अपनी जगह पर बिल्कुल सही हो, तो भाई इस तरीके से आपको आपका वीज़ा आसानी से मिल जाता है, ठीक है। मेरे को 1 वीक लगा था, और जब आप वीज़ा फाइल करोगे तो यूके का वीज़ा प्रोसेस एक्चुअली में 3 तरह से है। लाइक आप सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर VFS ग्लोबल जाओगे तो वहाँ पे वीज़ा के लिए 3 तरह से बनाया हुआ, एक स्टैंडर्ड वीज़ा प्रोसेस है, एक प्रायोरिटी सर्विस है, एंड एक सुपर प्रायोरिटी सर्विस है। तो अगर आपके पास टाइम है, मतलब स्टार्टिंग कोर्स स्टार्टिंग डेट से पहले अच्छा खासा टाइम है, तो आप नॉर्मल स्टैंडर्ड वीज़ा प्रोसेस लेना जिसकी 35 to 36,000 रुपीज़ चार्जेस होती हैं। और अगर आप प्रायोरिटी सर्विस में जाते हो जो 1 वीक के लिए होता है, उसका नॉर्मली रिपोर्ट 1 वीक के अंदर आता है, ठीक है, तो वो वाला वीज़ा का आपको 55 to 60,000 के नियर अबाउट एक्सपेंस पड़ता है, ठीक है। दूसरे वीज़ा का आपको 60 के नियर अबाउट पड़ेगा, एंड जो तीसरा वीज़ा का सुपर प्रायोरिटी होती है वो आई थिंक 1 लाख के नियर अबाउट चार्ज हो जाता है। सुपर प्रायोरिटी में जाने का कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता है, आप प्रायोरिटी ले सकते हो, मेरे अकॉर्डिंग प्रायोरिटी ले सकते हो अगर आपको ज़्यादा जल्दी होता है कि मेरे को वीज़ा चाहिए। जो सुपर प्रायोरिटी वीज़ा है उसका ये है कि उसको आपको 24 आवर्स के
अंडर आपको रिपोर्ट मिल जाता है, आपका रिजल्ट आ जाता है, ठीक है। और जो प्रायोरिटी होता है वो 1 वीक के अंडर, और जो नॉर्मल होता है स्टैंडर्ड वीज़ा प्रोसेस उसमें आपको नॉर्मली 15 डेज का टाइम लेता है UKMS। ओके, तो यहाँ पे जब आप अप्लाई करते हो तो भाई बी कॉन्शियस अबाउट इट, आपको आ सकता है एम्बेसी इंटरव्यू, ठीक है, जिसे कोई नहीं जानता कि आएगा कि नहीं आएगा। ओके, तो एक्चुअल में क्या होता है, 50-50 चांस होता है, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है। अगर आपका प्रोसेस बिल्कुल बढ़िया है, बढ़िया हुआ है, सारे डॉक्यूमेंट ओके हैं, तो वो आई थिंक सो कि नहीं आता है, ठीक है। और अगर आ भी जाता है तो बिल्कुल घबराना नहीं, प्रिपेयर रखना खुद को भाई। वो कुछ नहीं पूछेंगे, जो आप जो डॉक्यूमेंट उनको प्रोवाइड करते हो ना, वो उसी में से आपको क्वेश्चन पूछते हैं। और थोड़ा सा प्रिपरेशन करनी होती है अपने फंड्स के रिगार्डिंग, कि आपने फंड कैसे अरेंजमेंट किया है, ठीक है, आपकी जो भी स्पॉन्सर करने वाले हैं आपको, उनकी कैसी बिजनेस है, क्या करते हैं, कैसे उनके पास इनकम आता है, दैट्स ऑल आर द क्वेश्चन जो वो पूछेंगे। अगर आपको कन्फ्यूजन क्रिएट करना होगा तो अदरवाइज जो बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं कि आपको कौन स्पॉन्सर कर रहा है, कौन से आप यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, किस कोर्स के लिए जा रहे हो, पीछे आप क्या कर रहे थे, नहीं कर रहे थे, ठीक है, इन सब चीज़ों को ही वो नॉर्मली पूछते हैं। अगर उन्हें कोई डाउट होता है तब डीपली जाते हैं, और डीपली जब जाते हैं तो कुछ अलग नहीं जाते हैं, वो उसी बात में जाएंगे जो आपने उनको इन्फॉर्मेशन दिया होगा। तो आप जो भी इन्फॉर्मेशन दोगे ये आप पे डिपेंड करता है, वो आप उसे प्रॉपर अपने दिमाग में रखना और अपने प्रोफाइल को स्टडी रखना कि मैंने क्या प्रोफाइल दिया है, ठीक है, वो रिमेम्बर रखना जरूरी है। और दो तीन चीज़ें हमेशा याद रखना, अपनी स्टूडेंट आईडी, ठीक है, अपनी जीमेल आईडी जो आपने यूनिवर्सिटी को प्रोवाइड की होती है, ठीक है, एंड थर्ड वन इज आपका डेट ऑफ बर्थ, पासपोर्ट का नंबर, ठीक, और लाइक स्टार्टिंग डेट और एंड डेट आपका कोर्स का, कोर्स का नाम क्या है, कितने मॉड्यूल्स हैं, मॉड्यूल्स के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, ठीक है, आपको बेसिक्स पता होना चाहिए। ओके, और आपने कभी अनदर कंट्रीज मूव किया है कि नहीं किया है, पहले आप उस कंट्री में गए हो कि नहीं गए हो, लाइक इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछेंगे, अगर पूछा तो, ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। ओके, सो आई थिंक सो कि आज की वीडियो थोड़ी हो गई बड़ी, लेकिन फिर भी मुझे था कि मैं पूरी प्रोसेस बता दूँ कि कैसे है। तो थैंक्स अलॉट, आज की वीडियो यहीं पे एंड अप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, लव यू ऑल इंडिया एंड एवरीवन, बाय बाय।